राम राम। मित्रों, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। बाबा नीम करोली के संस्मरण रब्बू दादा की जुबानी। दादा राम राम। राम राम। दादा, आप महाराज जी के साथ बहुत यात्रा में रहे हैं, आपने बहुत सारी यात्राएं की हैं। एक प्रसंग है, आप कानपुर से इलाहाबाद जा रहे थे तो एक छोटा सा कोई नगर है, उसमें एक हादसा हुआ था। क्या हादसा हुआ था? ये कभी कभी महाराज क्या करते थे, हमको बैठा लेते थे। अच्छा, हम बैठ जाते थे। हाँ। तो एक बार महाराज जा रहे थे लखनऊ। अच्छा। मैं लखनऊ उनके साथ गया, वहां से भी महाराज आए कानपुर। अच्छा। तो मैं वहां से उनके साथ कानपुर आया। तो मैं इसको जब लौट रहा था महाराज के साथ, तो उसके ड्राइवर का नाम था बालक, महाराज का भक्त था जी, और मेरे ख्याल से वो दीक्षित, डॉक्टर दीक्षित या मिस्टर चौधरी, दोनों में से एक का ड्राइवर था। मोस्ट प्रॉब्ली डॉक्टर दीक्षित का ड्राइवर था। अच्छा अच्छा। देवकांता दीक्षित नहीं, दूसरे थे डॉक्टर। अच्छा, दूसरे दीक्षित थे। तो जब महाराज क्या करते थे, आगे बैठते थे। अच्छा। और वो चाबी कभी बंद किया, कभी यूं हाथ रखते थे। अच्छा। और बाल सुलभ चंचलता थी महाराज के अंदर। अच्छा। और बालक महाराज को उनका स्वरूप पहचानता था। तो जब वहां से हम चल रहे थे तो पानी बरसने लगा। अच्छा। और काफी जोर का पानी बरसने लगा जी। तो एक जगह पड़ती सैनी। हाँ, खागा सैनी। हाँ। वहां पर पानी काफी जमा था सड़क पर। हाँ। मेरे ख्याल से आज की तारीख में 60 किलोमीटर, उसकी तारीख में 40 मील पकड़ लो। अच्छा अच्छा। 45 मील पकड़ लो। हाँ। तो ड्राइवर चल रहा था गाड़ी, इतने में लड़का सड़क क्रॉस किया उसने। अच्छा। उस टाइम डिवाइडर तो होते नहीं थे, एक तरफ एक सड़क होती, एक तरफ सड़क। तो बालक जब तक कुछ करे, बालक घबरा गया ऐसे। हाँ, करके। हाँ, मर गया। अच्छा। महाराज ने थोड़ी देर पहले श्रीराम श्रीराम का, बल्कि उसी समय तत्क्षण कहा श्रीराम से, मतलब इतनी स्पीड में गाड़ी और टक्कर हो गई। हाँ, पूरे जोर से बम से मारा उसने। अच्छा। अब वो गिर गया। अच्छा। तो जैसे महाराज बोले, मर गया क्या? वो बच्चा उठा और उसके भाग गया। अच्छा। भाग गया तो उन्होंने पूछा, अरे बच कैसे गया बालक, कैसे बच गया? बालक तो ऐसे निहाल था वो, अरे क्या महाराज बच गया, आपकी कृपा है, सामने पड़ गया। तो वो तो कहा, ड्राइवर, ड्राइवर की क्या स्थिति थी उस समय? घबरा गया था। घबरा गया था। सरल सा ड्राइवर। देखो, सब इनके साथ तो, महाराज के साथ तो एक थे ना, किशन तिवारी जी थे जी। तो कहते थे, जोगी की तो कहानियां ही कहानियां है। जोगी नहीं, किशन दास नाम सुन, किशन तिवारी। वो कहते थे, जोगी की नहीं, महाराज को हमारे पहाड़ में जब कभी किसी को बहुत प्यार आता, कहते जोगी, जोगी। अच्छा। जोगी की तो कहानियां ही कहानियां है, क्या सुनोगे, हरि अनंत हरि कथा अनंत। सही बात। वो जब आप महाराज जी के साथ में गए थे तो लखनऊ में जो मंदिर है उसका हिसाब किताब क्या हुआ था? एक्चुअली हुआ क्या, महाराज जो थे वो मंदिर तो उस समय नहीं था, एक उस समय जान था उनका, चीफ मिनिस्टर थे वो, बहुत भले आदमी थे, चंद्रभान गुप्ता। चंद्रभान गुप्ता, सीजी गुप्ता। तो उनके टाइम में एक कॉन्ट्रेक्टर था, उसको उस समय कॉन्ट्रेक्टर भी बड़े कॉन्शियंसियस हुआ करते थे जी, भले आदमी हुआ करते थे जी, आधा छोड़ के नहीं भागते थे जी। तो जब भी पुल बनाए वो गिर जाए। हाँ। उसकी प्लिंथ बनाए, उसकी बेस बनाए गिर जाए, जो वहां पर लखनऊ में बन रहा था, गोमती को, अलीगंज का पुराना मंदिर है, पंचमुखी हनुमान है, काफी प्रसिद्ध मंदिर जी। तो वहां पर महाराज, उसकी बगिया है मंदिर, वहां बैठे थे। अच्छा। इतने में ये आया, रोने लगा कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार। हाँ। गुजरात का था बेचारा। अच्छा। तो उसने कहा, महाराज ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। चंद्रभानु गुप्ता ने कहा था, वहां चले जाओ, वो बचाएंगे तुझे। अच्छा। नहीं तो तुझे बनाना पड़ेगा। हाँ। तो उसने कहा, क्या करें महाराज, कैसे करें, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। महाराज ने कहा, तू यहाँ ऐसा कर, एक हनुमान जी का मंदिर बना ले, गिरने नहीं देंगे, हनुमान जी रोक लेंगे। अच्छा। इसीलिए उसका नाम आज तक भी मंकी ब्रिज कहते हैं लोग, हनुमान सेतु नाम है वैसे, बाकी अंग्रेज लोग मंकी ब्रिज कहते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसकी वजह से रुक गया हनुमान सेतु। हाँ। तो जब ये बाढ़ बाढ़ आने लगी तो महाराज ने मुझे मंदिर जब ऊपर गया 1962 में, तो मैं भंडारा खिलाने गया था। अच्छा। भंडारा खिलाने गया था तो महाराज ने स्थापना के दिन
करीब 8-9 बजे रात को कहा होगा, ये गवर्नर जनरल है। अच्छा, हनुमान जी के लिए ना ये गवर्नर जनरल है, लोग उसको चिट्ठियां लिखेंगे तो सुनाएगा वहां के जो पुजारी जी हैं भवानी प्रसाद जी, जी उनको आदेश दिया था, वो अभी भी बंद करके शाम को रात को जब पर्दा बंद होता, पर्दा गिरा के हनुमान जी को चिट्ठियां सुनाते। अच्छा, लोग चिट्ठियां लिखते हैं, सुनाते हैं या रख दी जाती है? नहीं, मेरे टाइम में तो सुनाते थे। अच्छा, क्या होता मैं नहीं जानता, लेकिन पढ़ता था कि 1.5 घंटा पढ़ता था। अच्छा, अब क्या होता है मैं नहीं जानता, I'm sorry, हो सकता रख देते हो। नहीं, मैंने तो वैसे ही पूछा, मुझे पता नहीं है। एक 1.5 साल जो है आजकल बुकिंग है श्रृंगार की जी, हनुमान जी तो हनुमानगढ़ी में, हनुमान सेतु में वहाँ पर लंबी लंबी बुकिंग है, बहुत संपन्न मंदिर है वो। अच्छा अच्छा, भक्त लोग भी बड़ा सेवा करते हैं वहाँ पे, अच्छे अच्छे भक्त हैं। अच्छा, एक चीज और मैं इसी के साथ पूछना चाहता हूँ कि चंद्रमान गुप्ता पहले महाराज जी के अगेंस्ट थे कि मंदिर यहाँ नहीं बनेगा, और फिर क्या हुआ कि उन्होंने फिर जमीन दे दी दूसरी जगह के, और फिर एक जगह नहीं दो दो जगह मंदिर बन गए। वो जो मंदिर था उसको एक्चुअली एक किस्म से इम्पीडेंस था ना, वो हर बार डूब जाता था, हर बार वो हो जाता था। अच्छा, पानी आ जाता था। हाँ, तो ऐसा मंदिर कोई ऐसा तो संत से कौन लड़ाई करेगा थोड़ा नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन दिक्कत करता है, एडमिनिस्ट्रेशन बाची मारता है या बीच में व्यवधान करता है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रसंग और आया है, चंद्रभान जब आए हैं कैची धाम में दर्शन करने, तो उस समय उन्होंने एक कुर्सी मंगवाई थी या स्टूल टाइप मंगवाया था कि रख दे, तो स्टूल रख दिया था। तो चंद्रभान जी जब आए, ऐसा महाराज जी किसी के लिए करते नहीं थे, तो चंद्रभान से कहा बैठ जा तू, तो उन्होंने कहा था मैं तो साहब बनिया हूँ, मैं कैसे बैठ सकता हूँ, और फिर उनके चरणों में ही बैठे थे। तो ये महाराज जी की कोई विशेष लीला रही होगी, नोक और झोंक जैसे चलती थी आपके बीच में आँख मिचौली, ऐसे ही उनके साथ भी बड़ा प्यार का रिश्ता रहा। चंद्रभान गुप्ता को ये अंक समर्पित हो गया, महाराज जी का प्यार भरा अंक, और उन्हें मैंने झगड़े की बात की, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दें जहाँ पर भी वो इस समय उनका परिवार हो और वो हो। मित्रों, अगले अंक में मैं जानना चाहूँगा कि पूर्व राष्ट्रपति गोपाल कृष्ण स्वरूप पाठक जी जो थे, उन्होंने उपराष्ट्रपति जो रहे, उन्होंने गाड़ी महाराज जी को भेजी थी, फिर गाड़ी महाराज जी ने रास्ते में ही लौटा दी थी। आखिर क्यों लौटा दी थी, हमारे दादा के, हमारे रब्बू दादा के मुखारविंद से सुनिए अगले अंक में। तब तक के लिए राम राम। राम राम।